आप मुझे 10 मिनट का बाहर कर रहे हैं, कभी ये शाही कढ़ाई वाले का नाम लेता है, कभी ये किस कढ़ाई वाले का नाम लेता है, अभी तक इसे डिसाइड नहीं हो रहा किधर लेके जाना है, क्या बात है फिलहाल। बस भाई अभी जाते हैं, बस शाही क्या कन्फर्म हुआ है, अब शाही पे जाएंगे, शाही पे जाएंगे, चलो जी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग, होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल, दिस इज मुनीब ताहिर एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि काफी दिन बाद यार व्लॉग बना रहा हूं, वो भी जो है अब काफी सारी कंप्लेंट्स भी चूंकि आ गई थी तो बनाना पड़ा। विद मी इज फैजान जो कि है मेरा, वालेकुम सलाम, मेरा रूममेट भी है अब क्योंकि रूममेट्स भी चेंज हुए यार, काफी दिन हुआ मुझे पता है व्लॉग नहीं बनाया, मैंने तो जानी छोड़ दी थी व्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा था दूसरा पेपर वगैरह भी स्टार्ट हो, पेपर वगैरह भी है और मेरा इरादा था कि मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा जिस तरह की बना रहा था, ऑडियंस की मर्जी जो होगी हम वो करेंगे। गाइस इस टाइम यार मैं मौजूद हूँ, खड़ा हुआ हूँ हरिपुर में और ये कौन सा रोड है आप बता दें यार, मुझे तो पता नहीं, हरिपुर मेन रोड है जो सहसा की तरफ जाता है और ये हमीदिया की तरफ भी जाता है। अच्छा और अभी आप जो हमें लेके आए इधर कढ़ाई वाले के पास, क्या नाम है इसका? इसका जी शाही कढ़ाई वाला नाम है, शाही होटल है ये, इसकी कढ़ाई वगैरह चले देखते हैं इसकी कढ़ाई जो है कैसी कैसी जो है वो कितनी शाही है, तो देखते हैं फिलहाल। अफान, अब अफान साहब आ जाए, अफान साहब तो वेट कर रहे हैं, हम कैसे लेके वो आए तो फिर चलते हैं। भाई क्या रिव्यूज हैं फिर आपके, कैसी लगी कढ़ाई आपको? सर वो बुजुर्ग कहते होते हैं कि रूह खुश हो गई, ओके जी रूह खुश हो गई, जबरदस्त मजा है। अरफान साहब आपका क्या रिव्यू, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी ना यार उससे भी बहुत अच्छी, एक्सपेक्टेशंस भी अलग बहुत आई थी लेकिन मजा आया, चलो गुड हो गया फिर। खाना वगैरह खा लिए यार, खाने का तो बहुत मजा आया, ठीक है अभी देखते हैं और क्या करना है फिलहाल, अभी मैदान दे रहा है कि कहीं जाते हैं, अब पता नहीं वो किधर जाना है क्या जाना है, अभी रास्ता नहीं पता चलेगा। खैर हम इधर आए थे और भी इनका क्या कुछ मशहूर आप कह रहे थे यार, इनका जो मशहूर है वो दाल है, दाल बटी। अच्छा दाल हमने खाई नहीं है, पहले बोलते हैं अब जो है कढ़ाई खा के अब आप दाल का नाम ले, तो अब दाल का दाल इंशाल्लाह चले दाल नेक्स्ट टाइम खाएंगे, लेकिन कढ़ाई बेस्ट। अच्छा तो गाइस यार हम इधर आए हैं अभी, ये जो है कोई ये क्या है फिजान, क्या दरिया है या नहर है क्या है ये यार? ये दौड़ है, पानी आता है। अच्छा दौड़ है, अब यार शूज पहने हुए हैं इधर फिलहाल, अंदर तो नहीं पाँव शाँव मार सकते, फिजान साहब चप्पल पहन गए थे तो ये पाँव रख के बैठ गए। अच्छा इसकी हिस्ट्री आप बताएं जी क्या है? दरियाए दौड़ है ये अफगानिस्तान से आता है तकरीबन, अफगानिस्तान से तकरीबन क्या मतलब, मतलब शायद अफगानिस्तान से आता है इस तरह किसी इलाके से आता है, और ये पुराने जमाने में बहुत बड़ा एक समंदर टाइप चीज था। क्या बोला तूने? समंदर टाइप चीज, समंदर टाइप चीज था, अभी ये सूख सूख के इतना हो गया। और यार फैजान अभी सर्दी होगी, ये अपनी जैकेट के लिए थैंक यू, ये फैजान साहब की जैकेट पहनी है, मैं तो कुछ लाया नहीं था, मैं नहीं पता था सर्दी होगी, उधर मर्दान में तो हम पंखे लगा के सो रहे हैं फिलहाल, तो यार ये जो है हमारे इलाके के यही मजे हैं, ठीक है इधर से बस आगे जाओ तो बस ठंड ही ठंड है, कोई फजूल की गर्मी जो है वो नहीं होती है, तो चलें अभी इधर कुछ टाइम बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे, सी यू। अच्छा तो गाइस यार पीछे जो है आप मेरा सनसेट देख सकते हैं, बस हम ये इंजॉय करने आए थे, हमने कहा शाम हो गई है वैसे भी, थोड़ा सा सनसेट इंजॉय करते हैं, और पानी की आवाज़ जो है वो तो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही है, और ये फैजान साहब बैठे हैं। अच्छा तो यार अब एक चीज़ इधर जो है पेंडिंग रहेगी, उसके बाद जाते हैं हम। फैजान साहब आपने जो है ये बड़ा मिलन गब्बा वाला हेयर कट तो करवाया, अब एक गाना भी हो जाए बस एक्सीडेंटली हुआ है लेकिन बड़ा जो है वो ज़बरदस्त। तो यार अच्छा इसे मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, आपने बताना है कि यार फैजान साहब जो है वो फिट लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत लेट लग रहा है, लेकिन तब लेट लग रहा है जब गाना सुनाएगा। चलें जी फैजान साहब एक गाना हो जाए जी, एक दो लाइनें सुनाऊंगा, अभी याद तो इतना खास आ नहीं रहा। अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लावे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लावे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, ए बुलिया साइया
वे गुट गुट रोइया हे बुले आसाइया वे गुट गुट रोइया जीवें आटे बिच लून जीवें आटे बिच लून अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। मजा आ गया यार जबरदस्त। थैंक्स फैजान। और यार बस इधर जो है बाकी इधर का बस खाता पूरा हो गया। अभी किधर जा रहे हैं फैजान साहब? चाय पीने। हम जा रहे हैं जी चाय पीने और उसके साथ स्पेशल किस्म के उनके फ्राइज मिलते हैं। अच्छा क्रंची फ्राइज। तो चलें बाकी उधर जाके बताते हैं क्या मिलता है उधर से और हमने क्या खाया। लेट्स गो। अच्छा तो यार इधर आए हम लोग चाय पीने और ये शॉप है। हाँ जी मुनीब साहब अभी आप ट्राई करें और फिर हमें रिव्यू दें। सही है इसका? खींच ले जी खींच ले जी खींच ले। चलो जी ट्राई करो पहले। चटनी के साथ है? चटनी के साथ। चटनी बड़ी स्पेशल है इनकी। अच्छा हाँ स्पाइसी नहीं है। गर्म है बहुत सारा। चलो जी ये जब तक टेस्ट करेगा। ये इनकी चटनी है बड़ी स्पेशल होती है इमली वाली। और ये थोड़े एस्थेटिक शॉट्स चाहिए। हाँ जी क्या रिव्यू आपके? लव द फूड। चलिए जी गुड हो गया गुड हो गया। थैंक यू पान साहब। मैं तो आते फेंक के देखो थोड़ा साइड पे करके फेंकना पानी में ना फेंकना। हाँ फेंक दो थोड़ा नहीं साइड पानी में फेंक दो। हाँ फेंको मुनीब पूरा फेंक दो। लेकिन इनको मिलेगी। 5 hours later। अच्छा तो गाइस यार बाकी घूम फिर के आ गए हैं। सनसेट हो गए रात होने वाली है तो हमने सोचा कि जाते जाते जो है थोड़ा कुछ ठंडा खा लेते हैं। वैसे तो सर्दी लग रही है लेकिन ये है कि वी आर हेयर। तो फैजान साहब आगे आप डिस्क्रिप्शन बताएं कि ये अच्छी जगह है कैसी वो तो पता चल जाएगा टेस्ट का। जो आइसक्रीम है। अच्छा वो बहुत आइसक्रीम खाने आए हम। बस बेस्ट हो गया तो चलें आइसक्रीम खाने चलते।